हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और टेस्ट केसेस का वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये हमारा कुछ डिफरेंट होने वाला है। चैप्टर 27 तो है, बट इस बार डिफरेंट होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट दे रखी हो, उसके टेस्ट केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। आप कार्ड से लेके पेमेंट तक का सारे टेस्ट केसेस आपको बताने होते हैं। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं टेस्ट केसेस पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पार्ट वन अभी बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। ये तीन पार्ट में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सारी चीजें पता पड़ जाएगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो सेकंड थर्ड जरूर देखिएगा, तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। कभी भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में टेस्ट केसेस लिख के बता दो, तो आप आंख बंद करके याद करोगे, अरे यार हाँ मैंने पढ़ा तो था जयकिशन सर से, ये चीज होती है, ठीक है। ऐसे करके मार दोगे एक ही बार में इंटरव्यू क्लियर, ठीक है। ठीक है, फोड़ के आ जाओगे एकदम। अब शुरू करते हैं हम। चैप्टर 27 होने वाला है, ये होगा हमारा टेस्ट केसेस फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें हम सबसे फर्स्ट देखने वाले हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन रिलेटेड चेकलिस्ट। जैसे आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन होता है, उसके रिलेटेड क्या क्या चेकलिस्ट हो सकती है या फिर टेस्ट केसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। कि जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं या अमेजन की बात करते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट सिलेक्शन या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सारी टेस्ट केसेस कवर हो जाते हैं। तो इन दोनों का रेफरेंस लेके हम देखना चाहते हैं। चाहे तो आप ब्लिंकिट का भी ले सकते हैं या फिर कोई से भी ई कॉमर्स वेबसाइट का आप ले सकते हैं, बट मैंने इन दोनों का रेफरेंस लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, वेरीफाई प्रोडक्ट और आइटम शोन ऑन द वेब पेज क्लियरली। ये वाला आप याद रखिएगा कि प्रोडक्ट और आइटम्स वेब पेज पे सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ये वाली चीज अभी हम देखेंगे। मेक श्योर डेट द आइटम्स आर कैटेगराइज और नॉट बाय द कैटेगरी नेम, ये दोनों के लिए हम रेफरेंस उठाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेन पेज खोल लेते हैं, फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, फ्लिपकार्ट प्लस नहीं करते, फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, अब यहाँ पे क्या करा कि इसकी कैटेगरीज हमें दिख रही है, ये दिख रहे हैं ना आपकी कैटेगरीज, मोबाइल, ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, इस तरह की आपकी कैटेगरीज होती है। तो वो कैटेगरीज दिख रही है या नहीं दिख रही, इमेज आपके शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चीज़ें भी हमने देख ली। सेकेंड हमने दिया था रेफरेंस कि अमेजन का, अमेजन में आप देखिए कि कार्ट के अंदर ओपन कर लिया, तो ये मेरी एक है ना लैपटॉप की कैटेगरीज के अंदर लैपटॉप का इमेज आने शुरू हो गया, तो ये हमारी कैटेगरी हो गई। अगर आपको और कैटेगरी एक्सप्लोर करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो ये कैटेगरी के बारे में हमने देख लिया। अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, तो इस वाली वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं, राहुल शेट्टी अकेडमी का, ये बहुत अच्छा पेज है सिलीनियम प्रैक्टिस के लिए। आप इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट दे रखी है, इसमें कार्ट टू ऐड करना होता है, ऐड टू कार्ट करना होता है, कितने आइटम्स करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको, टेक्स्ट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हो अगर आपको ऑटोमेशन के बारे में पता है तो। इसके आप ई कॉमर्स वेबसाइट, इस पर आप इजिली टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई डेट द इमेज एडेड टू द प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रोकन और ब्लर्ड। ब्रोकन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया कि स्क्रीमिंग फ्रॉक में आप जाके देख सकते हैं कि इमेज ब्रोकन है या नहीं, लिंक ब्रोकन है या नहीं। ब्लर्ड के बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये देख रहे हैं ना इमेज हमारी एकदम सही आ रही है, जैसे आपने क्लिक किया तो ये हमारी इनलार्ज में ओपन होके आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसकी बात करते हैं, इस पर आप जैसे ही होवर करते हैं ना, तो ये इमेज आपकी लार्ज स्क्रीन में शो हो जाती है, तो मतलब इमेज की क्वालिटी ठीक है, ब्लर्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई प्रोडक्ट साइज डायमेंशन एंड क्वालिटी आर मेंशन अंडर द प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्ट का साइज है कि क्या साइज है, मतलब 16.1 इंच का ये है, ठीक है, प्रोडक्ट का साइज आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा ओपन कर लेता हूँ, कैमरे के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे ये 150 mm का लेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन होनी चाहिए उसके में, डायमेंशन, क्वालिटी कैसी है, और सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट बात करता हूँ, वेरीफाई शिपिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट इज डिस्प्लेड। शिपिंग इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड हो रही है, देखो सेलर हमारा ये है, 7 दिन के अंदर सेलर की रिप्लेसमेंट वारंटी है, ये कब तक डिलीवर्ड हो जाएगा, 12 तारीख तक, संडे तक डिलीवर्ड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई वेदर प्रोडक्ट रिव्यू बाय द कस्टमर आर एडेड और नॉट। प्रोडक्ट का रिव्यू एड है या नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 4.9 की रेटिंग है, 18 रेटिंग है और 2 रिव्यू है, तो 2 रिव्यू जो आपका लिखा हुआ है ऊपर, वो 2 रिव्यू आपके होने चाहिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, 2 रिव्यू कस्टमर के एडेड है या नहीं है, वो चीज़ें हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एच पी वेक्टर्स की, यहाँ पे देख रहे हैं ना 41245 रेटिंग है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे सारे रेटिंग्स और रिव्यू के बारे में डिस्प्ले करने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द ओवरऑल रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज शोन ऑन द वेब पेज और नॉट। ओवरऑल रेटिंग आपको दिखाई गई होगी, जैसे ये वैल्यू फॉर मनी, इन सबों की है ना अलग अलग रेटिंग है। अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आपको शो होता है, जैसे सबसे आप फ्रंट पेज पे जाएंगे ना, तो आपको ओवरऑल रेटिंग के बारे में पता पड़ गई होगी कि है ना, ये देख रहे हैं ना 4.5, 4.3 की रेटिंग है इसमें,
लैपटॉप में, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 4.9 की रेटिंग है, क्योंकि कम लोगों ने खरीदा है तो रिव्यू भी उसी के हिसाब से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंफर्म वेदर द इमेज फॉर द प्रोडक्ट आर अवेलेबल और नॉट। जितने भी इमेजेस हैं वो हमारे अवेलेबल होने चाहिए, जैसे ये सारी इमेजेस है ना, कोई भी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए इमेज डिलीट हो गया डाटाबेस से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इमेजेस है वो सारी हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए, और कोई भी है ना इमेज ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरी पूरी एकदम HD क्वालिटी में दिखाना चाहिए इमेज, कोई भी इमेज हमारी लेस नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं ना, सारी इमेज है हमारी अवेलेबल। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई वेरीफाई इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एडिट शुड बी द रियल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी रियल इमेज है वो सारी हमारी एड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये रियल इमेज है, तो ये सारी इमेज हमारी प्रोडक्ट की डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन कार्ड की बात करता हूँ तो ये सारी हमारी रियल इमेज हमारी एड होनी चाहिए। ठीक है, कंफर्म द यूजर सिलेक्टेड द प्रोडक्ट डिटेल्स पेज ओपन एज द यूजर क्लिक ऑन द इमेज और द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया था नेम ऑफ द प्रोडक्ट या फिर इमेज पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट ओपन हो जाना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे आ गया मैं आया, तो अब पहले मैंने नेम पे क्लिक किया था, अब क्या करता हूँ मैं इसके इमेज पे क्लिक करता हूँ। इमेज पे क्लिक करते ही ये हमारे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा और हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्प्ले करने लगेगा, सेम इन द केस ऑफ अमेज़न। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चेक वेदर द नंबर ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट शोन और नॉट। कभी कभार आपका यहाँ पे लिखा आता होगा कि 5 प्रोडक्ट लेफ्ट या फिर 2 क्वांटिटी लेफ्ट, तो वो हमारी क्वांटिटी लिखी आ रही है नहीं आ रही, मतलब किसी किसी में रहता है ये कंडीशन होती नहीं है फुलफिल, मतलब आपको दिखा देता है कि है ना हाँ इतनी रह गई है, ताकि है ना आप जल्दी से परचेज कर सकें, बट ऐसा कोई होता नहीं है, वो आपको बस बिकवाने के लिए रहता है। ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया। बट किसी किसी में रहता है कि है ना आपको इतना ही प्रोडक्ट बचा है, इसके बाद आप क्वांटिटी खरीद नहीं सकते, या फिर किसी भी से में आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में एक आइटम से ज्यादा आप नहीं परचेज कर सकते जो ऑफर में होता है, तो वो वाली चीज के लिए क्वांटिटी मैटर करती है कि क्वांटिटी कितनी ले सकते हैं और कितनी बची है। ठीक है, जैसे आप इस वाले पे अगर ऑटोमेशन करना चाहे तो इस पर कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम जा सकती है वो आप चेक कर सकते हैं इसमें। कंफर्म वेदर द अवेलेबल कलर ऑफ द आइटम शुड बी शोन ऑन द वेब पेज और नॉट। जैसे अगर बात करते हैं कि हमारे पास ड्रेस होती है या फिर है ना कोई शूज होते हैं, शूज के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स हमारे अवेलेबल हैं या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ शर्ट फॉर मैन, जैसे अगर मैं शर्ट मान लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी एक शर्ट हो गई, उसके है ना मल्टीपल्स कलर्स आते हैं, कि है ना एक कलर हो गया दूसरा कलर हो गया, तो उस तरह से आप डिफरेंट कलर्स आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो कलर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चेक द करेक्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। जो भी प्राइस है वो आपका करेक्ट डिस्प्ले हो रहा है नहीं, जैसे ये 459 है डिस्प्ले हो रहा है, 269 है डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा नहीं है ब्लर हो गया या फिर डैश डैश आ गया, ऐसा नहीं है। जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे 48 है 32 है, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और अगर आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस ट्रैकर से आप चेक कर सकते हैं कि इसका लोएस्ट प्राइस क्या था, ये सारी चीज़ें तो अलग से है, फर्जी बड़ा है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। वेरीफाई वेदर द प्रोडक्ट रिलेटेड आइटम्स आर शोन ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज और नॉट। प्रोडक्ट डिटेल रिलेटेड आइटम, जैसे अगर मैं बात करूं कैमरे के लिए और क्या क्या रिलेटेड आइटम्स आप परचेज कर सकते हो, ये देख रहे हो ना इसके साथ ये वाला परचेज कर सकते हो 299 का, तो ये रिलेटेड आइटम्स है इसके, और इससे रिलेटेड आइटम या फिर सिमिलर प्रोडक्ट या फिर उसके साथ जो खरीदने वाले हो वो सारी चीजें आपके डिस्प्ले हो रही है नहीं हो रही, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे मेन रहता है। क्योंकि आप कभी ए प्रोडक्ट खरीदने आते हैं तो आपको याद आता है कि हाँ मुझे ये फुल कलर फिल्टर लेंस भी चाहिए था, तो इसे भी ऐड कर ले इसे भी ऐड कर ले, तो उनसे उनकी ज्यादा बिक्री हो जाती है। यहाँ पे भी देखा तो रिलेटेड आइटम्स देख रहे हो ना आप, माउस हो गया फिर है ना लैपटॉप का कवर हो गया, तो ये फ्री में देने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि इसके साथ ले लो आप, तो ये रिलेटेड आइटम्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट को हम कैसे है ना प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और उसको कार्ट में कैसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे पेमेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कार्ड्स को कैसे हम ऐड करते हैं डिलीट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स के बारे में सारी चीज़ें देख लेंगे। तो लास्ट नेक्स्ट की 2 वीडियोज़ भी जरूर देख लेंगे, आपको सारा ई कॉमर्स का समझ में आ गया जाएगा। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है वेबसाइट टेस्टिंग का, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करके बिना तो बिल्कुल मत जाना, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, लाइक कर देना और अच्छा सा एक कमेंट कर देना, ताकि है ना बाकियों को भी हेल्प हो जाए, जो भी आपने सीखा या फिर कुछ अच्छा पूछना चाहते हैं तो वो भी चीजें भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए, इसके अलावा और भी PDF चाहिए जिसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीजें पूछा हो, तो आपको मोंती अकेडमी चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, और जॉब्स के रिगार्डिंग आप ये वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ जॉब के बारे में। बस आज वीडियो में नहीं, वीडियो देख लेना, थैंक यू सो मच।